हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो आप सब लोग? आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि आज एक विश्लेषण नरेंद्र मोदी जी और सबसे खासम खास उनकी विदेश की साथी जॉर्जिया मेलोनी, इन लोगों के साथ आज एक विश्लेषण किया जाएगा इनके कूटनीतिक रिलेशन पे। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि G7 का सम्मेलन हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी मिली थी, इटली की PM है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जॉर्जिया मेलोनी से पहले इटली का PM कौन हुआ होगा पूरे भारत में बहुत कम लोग जानते होंगे, शायद 10%। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी को हम कह सकते हैं कि पूरे 140 करोड़ भारतवासी जानता है। तो एक क्यों जानता है, किस लिए जानता है, एक विश्लेषण तो बनता है। तो आइए आज एक विश्लेषण करते हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी जी के संबंधों पर। ये देखिए अभी लिखा हुआ आप देखेंगे तो ये G7 इटली अभी हाल ही में 2024 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मोदी जी और मेलोनी प्यारी स्माइल के साथ, और ये हार्ट का इमोजी लगा हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और पे सोशल मीडिया पे ना मेलोनी जी और मोदी जी छाए हुए हैं। खुद जॉर्जिया मेलोनी बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों से मिली, लेकिन अगर रील बना के किसी के साथ सोशल मीडिया पे शेयर की तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो कुछ तो अपने मोदी जी में है खास जो इतने छा जाते हैं सबके दिलों पे, कुछ तो बात होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या होता है। ये देखिए दूसरा पेज, देखिए एक यूजर क्या बोल रहे हैं, एक एक्स यूजर हैं, ये लिख रहे हैं इस, देखिए जॉर्जिया मेलोनी हैं और ये मोदी जी, और ये लिख रहे हैं बाबू स्माइल करो, बेस्ट स्माइल राइट नाउ। तो ये जॉर्जिया मेलोनी मोदी जी से बोल रही हैं कि बाबू स्माइल करो, ये हमारे देश की क्रिएटिविटी जनता है, पब्लिक है, जो कि इस समय हावी है। तो देखिए बोल रहे बाबू स्माइल करो। और आगे देखिए और जनता क्या बोल रही है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। ये देखिए अगले ये एक्स यूजर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं बाबू 32 सीट कहाँ रह कम रह गई, यूपी में अभी लगभग 32 सीटें कम हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो वही बोल रही हैं जॉर्जिया कि बाबू 32 सीट कहाँ कम रह गई। तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं नेताजी का बेटा ले गया, मतलब मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव हैं, तो ये बोल रहे हैं कि नेताजी का बेटा ले गया, पिछली बार 5 थी इस बार 37 ले गया। तो ये हमारे देश की क्रिएटिविटी जनता है। ये मेलोनी ने पूछा कि बाबू 32 सीटें कहाँ चली गई, तो मोदी जी ने बोला कि नेताजी का बेटा ले गया। तो ये है हमारे देश की जनता। अगले देखते हैं, अगला देखिए क्या बोलते हैं, अगला है ये देखिए अगला एक सीजर क्या बोलते हैं, मोदी जी हम आपसे नाराज हैं, मतलब मेलोनी की भाषा में मेलोनी बोल रही है मोदी से कि मोदी जी हम आपसे नाराज हैं। ये देखिए हाँ, तो मोदी जी पूछते हैं क्यों, तो मेलोनी जी देखिए क्या बोलती हैं, 10 साल से बनारस के सांसद हो, मतलब वाराणसी के बनारस के सांसद हैं मोदी जी 10 साल से, इस बार तीसरी बार जीत गए हैं। तो ये 10 साल से बनारस के सांसद हो, लेकिन मजाल है आज तक एक बनारसी साड़ी गिफ्ट नहीं किए हो। तो ये हमारे देश की क्रिएटिविटी जनता है, जो कि मेलोनी नरेंद्र मोदी जी से बनारसी साड़ी मांग रही है, ये हमारे देश की जनता कह रही है। अगला देखिए यूजर क्या बोल रहा है, अब देखिए ये मेलोनी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी ले रही हैं, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बाबू हंसो ना प्लीज। तो मेलोनी जी मोदी जी से बोली कि मोदी जी हंसो ना प्लीज, देखिए मोदी जी स्माइल कर रहे हैं, मेलोनी भी स्माइल कर रही हैं। ये हमारे देश की पब्लिक है। और इस समय सोशल मीडिया पे मानो ना मानो मेलोनी जी और मोदी जी भरे पटे पड़े हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे एक सीजर, देखिए अभी देखिए कि अगला एक सीजर क्या लिख रहे हैं कि इस सदी के सबसे शातिर लोग किस प्रोफेशन से आते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि सबसे शातिर लोग किस प्रोफेशन से आते हैं, और आगे बताते भी किस प्रोफेशन से आते हैं। ये बोलते हैं कि मैं बताता हूँ वो प्रोफेशन क्या है,
वो प्रोफेशन कैमरामैन है। देखिए लिख रहे हैं कि वो प्रोफेशन कैमरामैन है। भाई साहब यह फोटो जिस पोज में ली गई है, फोटो नरेंद्र मोदी और मेलोनी, देखिए मेलोनी किस स्टाइल में मोदी जी को देख रही हैं, तो वही बोलना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये फोटो जिस पोज में ली गई है, यहाँ मेलोनी ने मात्र आधी सेकेंड के लिए मोदी जी की तरफ देखा था। हाँ, मतलब आधा सेकेंड बस मोदी जी की तरफ देखा था और कैमरामैन ने फोटो खींच ली। आधा सेकेंड बहुत कम समय होता है, मगर कैमरामैन तो कैमरामैन है, मतलब कैमरामैन तो कैमरामैन है, वो क्यों एक एक क्षण क्यों गवाए। आगे देखिए क्या, मुझे तो लगता है कि किसी बड़े मेम क्रिएटर ने इस कैमरामैन को ऐसी तस्वीर खींचने के लिए बहुत सारा फंड दिया था। और देखिए क्या लुक दिए है मेलोनी ने मोदी जी को, तो उसी लिए बोल रहे हैं यूजर की इस समय सबसे खतरनाक प्रोफेशन कैमरामैन है। आइए अगले यूजर की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारे देश की क्रिएटिविटी जनता है। अगले प्रोफेशन के देखिए अगले यूजर क्या बोलते हैं। देखिए अगला यूजर क्या बोलते हैं कि इटली में G7 देशों की मीटिंग हो रही है, मतलब इटली में G7 देशों की मीटिंग हो रही है, इसे होस्ट करने वाली इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है। इटली में G7 देशों के अलावा भी कई अन्य देशों के नेता आए हुए थे, मतलब उस G7 मीटिंग में अन्य देशों के भी कई सारे देशों के नेता आए हुए थे, मगर जॉर्जिया मेलोनी ने अपने एक्स अकाउंट पर सिर्फ मोदी जी और के साथ फोटो पोस्ट किया। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप ना, मतलब बस मोदी जी के साथ फोटो पोस्ट किया, ये जनता मतलब क्या बताना चाह रही है, आप समझ सकते हैं। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ये हैं कनाडा के पीएम हैं और यहाँ पे क्या लिखा हो कि अरे यार बताओ मेलोनी कहाँ है, कब से खोज रहा हूँ। मतलब ये जनता है, पब्लिक मानने वाली नहीं है, इसको बस मौका चाहिए। ये लिखा है कि अरे यार बताओ मेलोनी कहाँ है, कब से खोज रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, मेलोनी को बताओ। हाँ ये हाल है। आगे देखिए क्या बोल रही पब्लिक। अब मोदी जी परेशान है, मेलोनी कहाँ हो। ये मतलब हाल है, मेलोनी के एकदम परेशान है मोदी जी, मोदी मिल मेलोनी मिल नहीं रही, कहीं चली गई है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए वही बातें हैं जो ऊपर लिखी गई हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, मेलोनी मतलब मेलोनी मोदी जी से बोल रही है, मेलोनी बाबू एक सेल्फी लेते हैं फिर पता नहीं कब मिलेंगे। मतलब हमारे देश की पब्लिक के बारे में देखिए कि पब्लिक क्या बोल रही है, मेलोनी मतलब मोदी से बोल रही है कि बाबू एक सेल्फी लेते हैं फिर पता नहीं कब मिलेंगे। हद है यार, कुछ भी मतलब। और यहाँ मोदी जी बोले हाँ हाँ बाबू ले लो, मोदी जी भी बाबू से बोले मेलोनी से कि हाँ बाबू ले लो, क्या यार क्रिएटिविटी जनता। आगे देखिए, अब देखिए मोदी जी इंडिया वापस आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, मोदी बाय मेलोनी, मेलोनी बाय बाय मोदी बाबू। तो यही है, मतलब हम सोचे कि क्या चल रहा है G7 सबमिट से हमारे देश के लोगों ने क्या पाया, तो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारे देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी और मेलोनी का साथ पाया। तो सबसे बड़ी बात है, तो बस इतना ही आप लोग से रूबरू होना चाहता था और आप लोग बताइएगा कि यह विश्लेषण कैसा लगा मोदी जी और मेलोनी के बारे में। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो वीडियो के में जरूर बताइएगा, और ये विश्लेषण कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा। इसी के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। नमस्कार।